प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कुछ सत्रों से हम लोग पतंजलि योग पर अपना अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो सत्र चला था उसमें हमने अभ्यास वैराग्य तक का अध्ययन किया था। अभ्यास किसका करना था, उस अभ्यास के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता था, तो वैराग्य की प्राप्ति। तो वो अभ्यास क्या है, एक बार उसका हम फिर से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पतंजलि योग सूत्र पहला पाद जो था समाधि पाद था। समाधि पाद में ही अभ्यास वैराग्य का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। तो चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को महर्षि पतंजलि ने अभ्यास का नाम दिया था। यहाँ हम देख भी सकते हैं, चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, महर्षि पतंजलि ने उसे अभ्यास की संज्ञा दी। और उस अभ्यास को करते करते, उस पर चलते चलते जो अवस्था की प्राप्ति होती है, उसी को महर्षि पतंजलि जी ने वैराग्य का, तो उसको क्या कह सकते हैं, तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। तृष्णा रहित मतलब जिसमें राग ना हो, देखे और सुने हुए विषयों में हमें कोई राग ना हो, मोह ना हो, ये जो अवस्था आ जाए वही तृष्णा रहित अवस्था। तो अभ्यास को करते करते एक अवस्था वैसी आ गई जहाँ हमें इन भौतिक वस्तुओं में कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई मोह नहीं रहेगा, कोई राग नहीं रहेगा। तो वो अवस्था जैसे ही आएगी तो कहा जाता है कि वैराग्य की प्राप्ति हो गई। तो अभ्यास वैराग्य को समझ लिए हैं। इस अभ्यास वैराग्य को करने के लिए इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो महर्षि कहते हैं, जैसे ही इस वैराग्य की प्राप्ति होती है तो पुरुष विदित हो जाता है। पुरुष, प्रिय विद्यार्थियों, पुरुष क्या है, तो पुरुष उसको कहते हैं जो ऊर्जा जिससे हम इन भौतिक वस्तुओं को देख पा रहे हैं, या महर्षि पतंजलि के अनुसार जो दृष्टा है, जो सब चीज़ों को कुल देख रहा है, उसको एक महर्षि पतंजलि ने पुरुष की संज्ञा दी। उस ऊर्जा को, उस परम तत्व परमात्मा को महर्षि पतंजलि ने दृष्टा के रूप में अपने ग्रंथ में वर्णित किया है। उसी दृष्टा को महर्षि जी ने नाम दिया, उसका नाम क्या था, पुरुष नाम। तो यहाँ देखिए, हम देख भी सकते हैं, अभ्यास वैराग्य संपन्न होने पर पुरुष विदित हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य से क्या प्राप्ति हो गई, वह पुरुष जो था, जो अस्तित्व में है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उसको हमने देख लिया, समझ लिया और वह विदित हो गया। और इस पुरुष के विदित होने पर क्या हो जाता है, तो पर वैराग्य की अवस्था आती है। उस पुरुष के विदित होते मान ही पर वैराग्य की अवस्था आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने अभ्यास वैराग्य को समझा। इसके आगे से प्रिय विद्यार्थियों शुरू करते हैं। मात्र 195 सूत्र हैं पूरे पतंजलि योग सूत्र में, हम लोग धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सूत्र संख्या 1.16 से शुरू कर रहे हैं इस सत्र को। तो सूत्र क्या कहता है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णयम्। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णयम्, पतंजलि योग सूत्र का 16वां सूत्र है ये। अर्थात पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस पुरुष के ज्ञान से क्या प्राप्ति हो रही है, जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसके पहले जो सूत्र था, अभ्यास वैराग्य तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उसकी प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति हो रही थी, तो हमने देखा पर वैराग्य की प्राप्ति हुई। पर वैराग्य की प्राप्ति के से क्या प्राप्त होता है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णयम्। उस पुरुष अर्थात परम तत् परमात्मा को ही देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि पुरुष, महर्षि पतंजलि ने पुरुष के क्या कहा है, परम तत् परमात्मा।
यह पुरुष और परम तत्व परमात्मा एक ही चीज़ है। इनके ज्ञान से क्या होता है, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है। प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के गुण कौन कौन से थे, तो सतरजतम तीन गुण हैं प्रकृति के, इनसे सर्वथा इनमें तृष्णा हो जाए या इनसे वैराग्य हो जाए, तो इसको कौन सा वैराग्य कहा गया, पर वैराग्य महर्षि जी ने कहा है। यह क्या है, यह वैराग्य की पराकाष्ठा है। ऐसे बहुत से संत हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिनमें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, वो अपने ही धुन में मगन रहते हैं। उनसे लोग कहते हैं देखो ये वैरागी हो गया, तो वह एक वैराग्य की पराकाष्ठा। वही यहाँ पे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि उस योग की प्राप्ति के लिए जो मार्ग अपनाते हैं उसमें वैराग्य का एक अवस्था ये भी है, इसी को वैराग्य की पराकाष्ठा कहा गया। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं रसवर्जम रसो अपयस परम दृष्टवा निर्वर्तते, दूसरा अध्याय 56वां श्लोक 59वां श्लोक। इंद्रियों का विषयों से, इंद्रियों को उनके विषयों से समेटने वाला राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। इंद्रियां आंखें देखना चाहती हैं, कर्ण हमारे सुनना चाहते हैं, जीभ हमारा स्वाद लेना चाहता है, त्वचा स्पर्श करना, इन सब जो इंद्रियों के विषय हैं, इनसे जैसे ही ये अपने विषयों से विमुख होती हैं तो वह परम तत्व परमात्मा का विदित हो जाता है। उसी को गीता में भी कहा गया, उसी को महर्षि पतंजलि ने भी यहाँ कहा है, उसी को यहाँ पे वैराग्य कहा गया, वैराग्य की पराकाष्ठा कहा गया। जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई, उसका स्वरूप क्या है, पूर्ण ज्ञान की अवस्था का चित्रण करते हुए महर्षि आगे कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता नुग मात संप्रज्ञात। उस जो पुरुष विदित हुआ उससे जो वैराग्य की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों का अपने विषय से जैसे अलगाव हो गया, लगाव नहीं रह गया, तो क्या हुआ, तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के साथ समाधि की प्राप्ति हुई। इस समाधि को यहाँ महर्षि ने क्या नाम दिया, संप्रज्ञात दिया। तो अभी वितर्क बना हुआ है, विचार भी आ रहा है, और उन विचारों के अभाव से आनंद की भी प्राप्ति हुई, और वितर्क विचार आनंद, उसके बाद अस्मिता, अस्मिता का भी यहाँ पे कुछ अंश बचा रहा। तो इन अभी ये चारों चीज़ों के होने के कारण संप्रज्ञात एक समाधि की प्राप्ति हुई, या योग जिसको कहते हैं, योग की प्राप्ति होती है, उसको महर्षि ने क्या नाम दिया है विद्यार्थियों, संप्रज्ञात नाम दिया। अर्थात अभी हमारे जो योग में हम लगे हैं, वैराग्य अभ्यास में लगे हैं, उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के रहते हुए भी समाधि की प्राप्ति हुई। इसी को संप्रज्ञात समाधि महर्षि जी ने कहा। इसमें क्या होता है, योग में सूरत सम है, योग में हमारा इंद्रियों पे थोड़ा बहुत नियंत्रण है, मन पे नियंत्रण है, हम उस स्थिति में बढ़ रहे हैं, योग भले ही प्रकार ज्ञात है किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था भले आ गई लेकिन अभी हमारा वितर्क चल रहा है। साधनपाद सूत्र संख्या 33 भी कहता है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, इन वितर्कों के आने पे क्या करते हैं, प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष मतलब जो भी विचार हैं उनके उल्टे, उनका विलोम, ऐसा हम भावना करना चाहिए। योग साधना में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाले अनिष्ट की भावना का विचार करने से उनमें प्रतिपक्ष की भावना आ जाती है, ऐसा वितर्क भी उठता है। उन वितर्कों के निवारण के लिए जो विचार आते हैं वही विचार हो गया वितर्क विचार, और इन जैसे ही इन विचारों पर नियंत्रण होने लगता है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हम भी महसूस कर सकते हैं प्रैक्टिकल विद्यार्थियों, कभी आप कुछ देर के लिए विचारों से शून्य होने का प्रयास करें, जैसे ही आपका मन विचारों से शून्य होगा एक आनंद, एक असीम शांति की प्राप्ति होती है। हम इसको
स्वयं में अभ्यास कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। योग पूरी तरह से अभ्यास की चीज़ है प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम करके उस योग की प्राप्ति कर सकते हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र पतंजलि योग सूत्र में बतलाने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें उस योग की प्राप्ति के लिए जो महापुरुष ने अपना ग्रंथ दिया उसका अध्ययन करना चाहिए, और उसी में से आज हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर आगे देखते हैं। और अस्मिता क्या था, तो हमने अस्मिता आगे भी पढ़ेंगे। तो प्रकृति और पुरुष का जो मिश्रण है, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, उसको महर्षि ने अस्मिता का नाम दे रखा है। यहाँ भी लिखा है प्रकृति पुरुष का मिश्रण, इनसे मिलीजुली चित्त का जो समाधान है, इस प्रकृति और पुरुष से मिली हुई जो चित्त है, जो अभी इनसे मिली जुली है अवस्था में, प्रकृति और पुरुष का भी मिश्रण बना हुआ, वह जो समाधान है या वह जो योग है, वह जो समाधि है, उसी को महर्षि जी ने संप्रज्ञात समाधि का नाम दिया हुआ है। यहाँ हम देखेंगे संप्रज्ञात योग उसी को कहते हैं। तो संप्रज्ञात क्या हुआ, जिसमें अभी हमारे अंदर वितर्क है, विचार है, आनंद है, अस्मिता है। और अस्मिता क्या कहा गया, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं अभी मौजूद है, पूरी तरह उसका अलगाव नहीं हो पाया है, इसलिए है अस्मिता बनी हुई। अब इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे, संप्रज्ञात समाधि से आगे बढ़ेंगे, तो एक समाधि हम पढ़ेंगे, महर्षि पतंजलि ने उसका जिक्र किया, उसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में कुछ विचार हमारे बचे हुए हैं, असंप्रज्ञात समाधि को देखेंगे। तो असंप्रज्ञात समाधि योग की और उच्च अवस्था है, इसको हम देखते हैं। तो उसमें कहा है महर्षि जी ने, अगला ही सूत्र 18वां सूत्र कहते हैं, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से सो अन्य। अर्थात वितर्क, जब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पर भी विराम लग जाए, अभी हमने कहा कि ये चीज़ें बनी हुई, जब इन पर भी विराम लग जाए, अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इनसे भी आप मुक्त हो जाइए, इनसे भी ऊपर उठ जाएंगे, तब क्या होगा, अभ्यास करते करते इस पूर्व अवस्था पे जहाँ विराम लग गया, अर्थात अभी हमारा अभ्यास तो निरंतर चल ही रहा है, तो जैसे ही अभ्यास हमारा चलते चलते उस अवस्था में आएगा जहाँ वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पर भी रुकावट आ जाएगी, उस पर भी रोक लग गया, उसको भी हम आगे बढ़ गए, उससे भी ऊपर उठ गए, तो विराम लग जाए, तो जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रह जाता है, वह योग अन्य ही है। देखिए, अभी हमने प्रिय विद्यार्थियों बताया कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात, दो समाधियों का वर्णन यहाँ पे महर्षि ने प्रथम पाद समाधि पाद में किया है। तो असंप्रज्ञात समाधि के बारे में क्या कहते हैं, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से भी जब आप ऊपर उठ गए, इनसे भी ऊपर उठ गए, इनको भी आपने पीछे छोड़ दिया, अभ्यास करते करते वो अवस्था आ गई जब आप इनसे ऊपर उठ गए, तो कहते हैं चित्त का केवल संस्कार बच जाता है, चित्त का वह स्थिति आ जाए जिसमें केवल संस्कार आ जाए, बाकी सभी चीज़ों का आपने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा काट दिया है, उससे भी ऊपर उठ गए हैं, तो वह योग अन्य ही अर्थात असंप्रज्ञात समाधि है। अब यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि हमें देखने को मिलता है, अर्थात संप्रज्ञात से भी उच्च अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि, वह अवस्था जिसको हम कैवल्य अवस्था जानते हैं, जिसको हम मोक्ष की अवस्था जानते हैं, जिसको हम निर्वाण, बौद्ध ग्रंथ में निर्वाण, या जिन, जैन धर्म में जिन आदि कई नामों से हमने सुन रखा है, तो यहाँ पे कैवल्य की अवस्था है, जिसमें चित्त में केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, वह अवस्था असंप्रज्ञात, और असंप्रज्ञात समाधि को ही यहाँ पे महर्षि ने कैवल्य बोला है, जिसमें सभी जो संप्रज्ञात की अवस्था है उससे भी आप ऊपर उठ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, यह सूक्ष्म और अनिर्वचनीय है, ठीक है, ये बोलने में नहीं आता है, यह सूक्ष्म है, इसका अभ्यास के द्वारा प्राप्ति होती है, जिसमें अनेक जन्म से चले हुए पथिक इस स्थिति को पहुंच पाते हैं। एक उदाहरण के लिए यहाँ पे ये दिया गया है कि अनेक ऐसे महापुरुष हुए जो इस अवस्था को प्राप्त करते करते एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे से तीसरे जन्म में जाते जाते वह अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ उनको इस असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। देखते हैं आगे, अनेक जन्मों के पश्चात जब बुद्ध भगवान बुद्ध राजप्रसाद में जन्मे, तो उनका प्राप्ति वाला अंतिम जन्म था,
जैसा कि हमने कहा कि अनेक जन्म में चलते चलते एक जन्म ऐसा आता है जब ये असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं आप। तो महात्मा बुद्ध भी जब अपना राजप्रसाद में इसके जिस समय वो बुद्ध बने तो राजा के घर में पैदा हुए थे, जैसा हम लोग ने पढ़ा है। वह उनका अंतिम जन्म था, प्राप्ति वाला जन्म था, उन्होंने असंप्रज्ञात अवस्था को प्राप्त कर ले किया था। का भुसुंडी जी महाराज जी को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है 1000 जन्म उन्होंने लिया था और 1000वां जन्म उनका आखिरी वाला जन्म था, प्राप्ति वाला जन्म था। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो अपने गुरु दादा हैं, वो भी अंतिम जन्म कई जन्मों से चलते चलते अंतिम जन्म में पहुंच चुके थे, उनका भी यहाँ वर्णन मिलता है। जड़ भरत, सुखदेव, ध्रुव, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि जो महापुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए इस भारत देश में जो इन इन स्थितियों योग की इन्हीं अवस्थाओं को आगे कर चलते चलते अंतिम जन्म में पहुँचे और प्राप्ति वाले जन्म में पहुँच कर योग को सिद्ध कर लिया। ऐसे महापुरुषों का योग क्या हो जाता है, शीघ्र सिद्ध होता है, क्योंकि इसके पिछले जन्म में उन्होंने वो साधना, वो तपस्या, वो अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त कर लिया था जिसमें उन्हें बहुत समय नहीं लगा और जल्द ही उनकी योग की प्राप्ति हो गई। अब आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 18 सूत्र तक हमने पढ़ा, लगातार महर्षि पतंजलि ने योग पर ही जोर दिया है। पूरा पतंजलि योग सूत्र योग को ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया मात्र 195 सूत्र में। इसलिए मैं फिर कहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, योग के अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमें पतंजलि योग सूत्र को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ने की जरूरत है। 2 से 3 बार पढ़ेंगे, कोई शंका नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा, पूरी तरह समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, फिर 19वां सूत्र में महर्षि कहते हैं भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। अभी हमने कहा कि कई जन्मों तक हम जो साधना करते रहते हैं अनेक जन्म में पाते पाते अंतिम जन्म वाला जो जन्म होता है उसमें हम योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाते हैं या असंप्रज्ञात समाधि जिसको हमने वर्णन किया था उसको प्राप्त कर जाते हैं। इसी को बताते हैं कि भजन करते करते जिनकी विदेहा अवस्था आ गई, प्रकृति लय हो चली, ऐसे योगियों को इस योग में प्राप्ति में भव प्रत्यय अर्थात जन्म ग्रहण करना ही माध्यम होता है, भजन का विशेष सहयोग नहीं रहता। क्या होता है विदेहावस्था क्या होती है, जो आखिरी जन्म है जिसको अभी हमने पिछली सूत्र में पढ़ा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था आई अंतिम जन्म में, ऐसे कौन से हुए, सुखदेव, ध्रुव, श्री कृष्ण इत्यादि, इन्होंने जन्मते ही इनके सामने सिद्धियां भली प्रकार कार्य कर रही थी, इनका भजन पूर्ण हो चुका था। इनका भजन को यहाँ पे इस तरह समझिए कि योग, इन्होंने अभ्यास करते थे उस योग को प्राप्त कर लिया था कि उनको जन्मते ही सिद्धियाँ रिद्धियों सिद्धियों, भगवान कृष्ण को देखते हैं कि बचपन से ही तमाम चमत्कार करने लगते हैं, ध्रुव को देखते हैं कि 5 साल में ही उस ईश्वर का दर्शन हो गया जिसको अभी आगे देखेंगे, जिसको दर्शन करने के लिए कई सालों तक लोग यत्न करते रहते हैं। तो इसका यहाँ पर वर्णन भी है, ध्रुव ने पूछा भगवान सुना है कि साधक करोड़ों करोड़ों वर्ष यत्न करते हैं तब कहीं आपके दर्शन होते हैं, हमें आप अत्यंत अल्प साधन से ही मिल गए, ऐसी अनुकंपा क्या। तो ध्रुव ने यहाँ पे ध्रुव के इन विचारों से हम जो भी योग के साधक हैं वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वर्णन है। भगवान ने कहा बस तुम कई जन्मों से भजन करते आए हो, फिर भगवान उनको समझाते हैं ध्रुव को कि ये तुम कई जन्मों से जो यत्न करते आए हो, अभ्यास करते हैं, उसका यह नतीजा है कि अल्प समय में ही तुम्हें को मैंने मुझे तुमने प्राप्त कर लिया। इस पहाड़ को देखो जो 80 पंजरों का ढेर है, यह सब तुम्हारी ही हड्डियां हैं, यही चट्टान पर तुमने भजन किया, इसी स्थल पर तुम्हारा शरीर पात हुआ, यह तुम्हारा प्राप्ति वाला जन्म है, प्राप्ति में 6 मास शेष थे जिसे तुमने पूर्ण कर लिया और तुमने अचल पद प्राप्त किया। अचल पद अर्थात योग को प्राप्त कर लिया है, अर्थात पुरुष का ज्ञान हो गया, जिसको अभी हमने पढ़ा पुरुष का ज्ञान होते ही मान ही प्रकृति के में लय हो जाते हैं, गुणों का अभाव हो जाता है, तो ध्रुव ने उसको प्राप्त कर लिया है। ऐसे महापुरुष के अतिरिक्त अन्य लोगों की योग कैसे सिद्ध होता है यहाँ पे हम देखेंगे। हम सभी अपने योग में के अभ्यास में लगे हुए हैं, धीरे धीरे वैराग्य भी आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्रुव तो कई जन्मों से लगे रहे, जैसा कि अपने उदाहरण देखा,
तो जो ध्रुव की तरह लगे हुए हैं, अभी उस अवस्था में नहीं आए हैं कि अंतिम जन्म की प्राप्ति हो गई हो, जिनको तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उनको कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो महर्षि पतंजलि ने अगले ही श्लोक में उसको भी वर्णित कर दिया। तो महर्षि कहते हैं, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे श्राप, दूसरे साधकों की चित्त की वृत्ति का निरोध और लक्ष्य प्राप्ति योग, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रमशः सिद्ध होता। अर्थात चित्त की वृत्ति का निरोध और जो हमारा लक्ष्य योग की प्राप्ति, उनको कैसे प्राप्त होता है? दूसरे साधकों को जो ध्रुव कृष्ण आदि प्रहलाद की अवस्था में नहीं, उनको कैसे प्राप्त होता? तो उन्होंने कहा कि पांच चीज़ें कौन कौन सी? श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, इन पांचों चीज़ों से उनको, दूसरे साधकों को धीरे धीरे क्रमशः उस योग की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम मचीरेणाधिगच्छति। चौथा अध्याय 39वां श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान सहित इंद्रिय तथा तत्परायण पुरुष उस ज्ञान को प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। ईश्वर पथ में श्रद्धा भाव अनिवार्य है, श्रद्धा के बिना भगवान से कुछ भी नहीं मिलता, सब व्यर्थ चला जाता है। यहाँ पे एक तरह से श्रद्धा योग करते करते श्रद्धा का भी एक जरूरत पड़ता है। श्रद्धावान लगते ज्ञानम भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, तो श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। जिस योग को हम कर रहे हैं उसमें पूरी श्रद्धा रहे, पूरा तत्पर होकर हम उसको कर रहे हैं, तभी वो योग की प्राप्ति होगी। उस योग की प्राप्ति जिसको हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को जाना है, जिसको महर्षि ने पुरुष का ज्ञान कहा है, उसकी प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हम श्रद्धापूर्वक लगे रहेंगे। महर्षि पतंजलि ने भी इसे 20वें श्लोक में भी हमने देखा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे श्राम, महर्षि पतंजलि भी इसी बात को यहाँ कहते आए हैं। आगे बढ़ेंगे, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा भी महर्षि ने किया, इसको हम 24वें सूत्र में देखेंगे। इस पथ में दूसरी आवश्यकता मन की दृढ़ता है। इस योग में अभी हमने कहा कि दृढ़ योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास की जरूरत है, तत्पर रहने की जरूरत है, तो मन की दृढ़ता की आवश्यकता है। साधक को शौर्य के साथ कमर कसकर साधना में लगना चाहिए, ऐसा ना हो कि थोड़ा कष्ट मिलते ही पीछे हट जाए। ध्रुव प्रहलाद मीरा की तरह टेक के साथ लगे रहना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद मीरा, मतलब मीरा का भी नाम आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे पुरुष और स्त्री का कोई वो नहीं है। योग किसी के लिए भी सुलभ है, योग में किसी शरीर का महत्व नहीं है। योग में आपके मन पे नियंत्रण, इंद्रियों पे संयम, चित्त पे नियंत्रण आदि की आपका जो टेक है, आपका जो अंदरूनी शक्ति है, जो अंदर से आप मजबूती देखते हैं, उसका बड़ा महत्व है। मन को टिकाए रखना बहुत जरूरी है। उठते बैठते प्रत्येक क्रियाकलाप के साथ सूरत लक्ष्य पर टिकी रहे, सूरत जिह्वा के स्वाद या इंद्रिय भोगों के रस में ना रहे। जैसा आपने कहा, इंद्रियों के विषयों से मन को, चित्त को हटा देना ही एक तरह से योग है। ईश्वरीय संदेशों निर्देशनों को पकड़ने वाली क्षमता आ जाए आपके अंदर, वह बुद्धि प्रज्ञा कहलाती है। यहाँ प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। प्रज्ञा क्या है? जो ईश्वरीय निर्देशनों, उनकी बातों को पकड़ सक रहे हैं, उनके संदेशों को पकड़ के, तभी वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा पूर्वक क्रम से यह योग सिद्ध होता है। योग की सिद्धि इन्हीं पांच चीज़ों से, जैसा हमने कहा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतेषाम, इन्हीं से योग की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पराक्रम, पूर्ण स्मृति के साथ रहने वाले साधकों के कई स्तर होते हैं। फिर साधकों के भी कई स्तर महर्षि ने बताया है। तीव्र संवेगाना माशन, जिनकी साधन की गति तीव्र है उनके लिए योग सिद्ध शीघ्र हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य की साधना में आने वाले विघ्नों को टालते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाले चित्त वृत्तियों का निरोध शीघ्र कर लेते हैं। साधना की मात्रा भी प्राप्ति काल को प्रभावित करती है। चित्त वृत्ति निरोध का फिर बात आता है। पूरी तरह योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध हमने पढ़ा भी है कि यह योग क्या होता है। चित्त वृत्तियों के निरोध से ही योग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी महर्षि कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। मृदु मध्य अधिमात्र त्वात ततो अपि विशेषा, साधना की हल्की मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले योगियों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है।
मृदु, मध्य और अधिमात्र, तीन साधकों का इन्होंने वर्णन किया। हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा इनके साधना पर भी इनके योग की सिद्धि निर्भर करती है। प्राप्ति काल के कुछ अंतराल बढ़ जाता है, किसी साधक को जल्दी योग की प्राप्ति होती है, किसी को देर में प्राप्ति होती है। महर्षि यहाँ पे एक भगवान बुद्ध के एक उदाहरण आया कि भगवान बुद्ध जब बोधगया में भजन कर रहे थे, पांच भिक्षु भी उनके समीप साधना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने बुद्ध को भोजन करते देखा, उन भिक्षुओं ने सोचा कि ये तो पारिवारिक सांसारिक मोह में आ गए हैं, तो वो पांचों भिक्षु नाराज होकर सारनाथ चले गए। जब भगवान बुद्ध साधना करते करते उनको योग की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने सबसे पहले इन पांचों के पास जाने का निर्णय लिया। और उन्होंने देखा, दूर से ही वो उन्होंने देखा गौतम को देखकर, उन भिक्षुओं ने निश्चय किया कि इनका कोई अभिवादन या स्वागत नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो समीप पहुँचे, तथागत, भगवान बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जैसे ही वो समीप पहुँचे सब खड़े हो गए। किसी ने तौलिया लिया था, किसी ने जल प्रस्तुत किया, किसी ने आसन लगाया, किसी ने चरण का प्रच्छालन कर दिया। तथागत बैठ गए, उन भिक्षुओं ने प्रश्न किया, बुद्ध का उपदेश आरंभ हो गया। उपदेश के दौरान ही एक को मुक्ति मिल गई या योग की सिद्धि प्राप्ति हो गई। दूसरे ने 14 दिन बाद केवल को प्राप्त कर लिया। तीसरे भिक्षु ने उन्हीं उपदेशों पर चलकर 2 महीने बाद, 2 माह पश्चात केवल या परम नस्कर में सिद्धि की प्राप्ति किया। ऐसे करते कर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ को उसी दिन मिल गया, कुछ को 14 दिन बाद, किसी को 2 महीने बाद। तो कुल मिला के साधकों की जो स्थिति होती, उनके हल्की, मध्यम और मृदु जो मात्रा होती, उसी पर निर्भर करता है यह योग की सिद्धि भी। यहाँ पे ये बताने का अभ्यास, अब क्या करना है कि अब यहाँ पे है, अब बताते हैं अभ्यास किस में करें, अभ्यास किसका करना है। तो महर्षि ने पहले बतलाया है कि वैराग्य और अभ्यास बिना उक्ताए चित्त से सांगोपांग निरंतर करने पर दृढ़ स्थिति वाला का ही सिद्ध होता है। इसमें चित्त वृत्तियाँ शांत निरुद्ध हो जाती है। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया अभ्यास को कहाँ ठहराए, आरंभ कहाँ से करें। अब हम यहाँ इसको देखने का प्रयास करेंगे। इस पर महर्षि करते हैं ईश्वर प्रणिधानद्वा, 23वां सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानद्वा। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। किंतु ईश्वर को हमने देखा नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस पर करते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है, महर्षि कहते हैं। लेकिन महर्षि ने ये भी जानते हैं कि सामान्यतः लोग ईश्वर को नहीं जानते, हमने भी स्वयं नहीं देखा, लोग भी नहीं देखते हैं। संसार में रहते हुए यही आंखों से वही दिखता है जो सामने है। फिर महर्षि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आसे अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर के बारे में उन्होंने कहा कि क्लेश कर्म विपाक आसे और इन चारों से जो अपरामिष्ट, जो संबंध नहीं रखता है, संबंधित नहीं है, पूर्ण निर्लेप है, परे है, जो समस्त पुरुषों से भी उत्तम है, उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहा है महर्षि पतंजलि जी ने। ईश्वर की यही परिभाषा महर्षि जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेश कर्म विपाक आसे अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। संसार क्लेश कर्म, कर्मों के संग्रह और उनके आसों से बंधा हुआ है। इन सब से अत्यंत परे, जैसे कोई संबंध ही नहीं था, इतना परे विशेष जो पुरुष होता है, वही विशेष पुरुष ही ईश्वर है। महर्षि के अनुसार क्लेश अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसको हम आगे महर्षि जी ने दूसरे पाद में अपने वर्णन भी किया। यहाँ क्लेश बताया है इन्होंने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशों का वर्णन आगे हम आगे भी देखेंगे। जो जीव के दुख के कारण है, यही क्लेश जीवों के दुख के कारण है। शुभ अशुभ मिश्रित शुभ रहित कर्म, शुभ अशुभ मिश्रित और शुभाशुभ रहित, 4 प्रकार के कर्म यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। और उन कर्म के संस्कारों की वासना से जो सर्वथा उपराम है, प्रिय विद्यार्थी, हो वही ईश्वर है। तो ईश्वर क्या है, ईश्वर इस योग की प्राप्ति कैसे होगी, तो ईश्वर प्रणिधान द्वारा, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा से समाधि मिलने पर योग प्राप्ति होती है। फिर योग क्योंकि हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो उसको महर्षि जी ने ईश्वर के बारे में भी यहाँ एक थोड़ा सा वर्णन कर दिया है, क्लेश कर्म विपाक आसे अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जल्द ही इसके आगे, आज हमने सूत्र संख्या 1.16 से 1.24 हमने देखा महर्षि पतंजलि के पहले पास, समाधि पास से। जल्द ही इससे आगे
हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।